सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। आदर्श शिक्षण संस्थान जालौर। आज अपन कक्षा पंचमी विषय गणित, गणित का अध्याय 2 जोड़ घटाव, इसका पार्ट्स 2। अपन ने पहले प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 9 तक प्रथम वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10, 10वां प्रश्न है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदुल्यास, उदुल्यास में 185 लड़के तथा 162 लड़कियां पढ़ती है। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है? यानी उदुल्यास के अंदर 185 लड़के हैं और लड़कियां कितनी पढ़ती है? 162। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए भैया बहनों, आपको इस प्रश्न में क्या करना है, कौन बताएगा? अच्छा, इस प्रश्न के अंदर है अपने को जोड़ करनी है, ठीक है? तो जोड़ करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको प्रश्न को क्रम से पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन देखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? 185, और लड़कियां कितनी है? 162। तो कुल विद्यार्थी पूछा है, तो अपन इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 185 प्लस 162, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितने हो गए? 7। 8 और 6 को जोड़ेंगे कितने हो गए? 14। 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3। तो उद्विलास के अंदर बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 347, यानी 185 लड़के थे और 162 लड़कियां, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 347। इस प्रकार इसका जो प्रश्न क्रमांक 11, एक बगीचे में 225 गुलाब, 156 गेंदा तथा 178 चमेली के पौधे हैं, बताइए फूलों के कुल कितने पौधे हैं? तो गुलाब के पौधे कितने हैं? 225। गेंदे के पौधे कितने हैं? 156। और चमेली के पौधे कितने हैं? 178। इन तीनों को अपन योग करेंगे तो 5 और 6 कितने हो गए? 11। 11 और 8 कितने हो गए? 19। असल रही 1, 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 और 5 कितने हो गए? 8। 8 और 7 कितने हो गए? 15। 15 का 5 असल रही 1, 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो इसके अंदर कुल पौधे कितने हो गए? 559। ठीक है, 225 तो गुलाब के हैं, 156 गेंदे के हैं और 178 चमेली के पौधे हैं। तो कुल तीनों को मिला करके जोड़ना है, गुलाब, गेंदा और चमेली, तीनों के मिला के कुल पौधों की संख्या कितनी हो गई? 559। अब इसमें अगला प्रश्न है 12 नंबर। गीता के पिताजी हाट में मटके बेचते हैं। इस बार उसके पिताजी ने 523 मटके बनाए, उनमें से 484 मटके बिक गए, बताओ कितने मटके बचे? तो उसके पिताजी ने मटके कितने बनाए हैं? 523। ठीक है, उसमें से मटके पिताजी ने कितने बेच दिए? कि 484, बताओ कितने मटके बच्चे हैं? यानी बच्चे यहाँ सेंस शब्द आए, तो आपको क्या करना है, इसमें घटाव करना है, बाकी करनी है। तो इसका उत्तर अपन कैसे लिखेंगे कि मटके बनाए 523, मटके बिके 484। अब मटके सेंस रहे तो अपन को क्या करना है, बाकी करनी है। इधर 3, 3 में से 4 को घटाएंगे, नहीं जा रहा है, एक इससे उधार लिया, 2 से 2 से उधार दिए तो कितने हो गए? 13। 13 में से 4 घटाएंगे तो पीछे कितने रहे? 9। ठीक है, अब एक इसको उधार दिया तो पीछे यहाँ कितने बचे? 11। 11 में से 8 गए, पीछे बचे 3। फिर इस 5 में से 1, 2 को उधार दे दिया तो पीछे कितने बचे? 4। 4 में से 4 गए, पीछे बचा 0। तो पिताजी के पास में 523 मटके थे, 484 बस गए, तो शेष मटके उसके पास में कितने बचे हैं? 39। कितने बचे हैं? 39। अब अगला प्रश्न है 13। भारतीय अंकों के साथ
जोड़ या घटाव करी, यानी जो भारतीय संख्या है, अंक है, उसके साथ में अपने को जोड़ या घटाव करना है। तो पहले प्रश्न में अपन देख रहे हैं 875, 857 प्लस 324, 857 और 324 को अपन जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे। जिस प्रकार से इसमें अपन ने हल कर रखा है, 7 और 4, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, आंसर रही एक। फिर 5 और 1 आंसर को जोड़ेंगे कितने हो गए, 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद में आंसर रही एक, 8 और 3 कितने हो गए, 11 आंसर इसमें नहीं बची है, तो 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है, 469, 469, इसके अंदर आपको क्या करना है, 285 जोड़ना है। तो सबसे पहले उधर देखेंगे 9 और 5 कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, असल रही एक, एक ऊपर चली गई। उसके बाद में 6, 6 और 8 कितने हो गए, 14, 14 और 1 असल कितनी हो गई, 15। ठीक है, असल चली गई एक ऊपर। 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 1 7। ठीक है, तो 469 को अंदर 285 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ गया, 754। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर देखिए कितने हैं, 6, 5, 4, 4, 9, 3। ठीक है, 657 के अंदर 493 घटाने हैं, जोड़ने हैं। ठीक है, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे अपन, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10, 10 का 0 आंसर रही एक। अब 5 के अंदर 1 जोड़ेंगे कितने हो गए, 6, 6 और 9 कितने हो गए, 6 और 9 15। ठीक है, 15 में 5 यहाँ लिख दिए, आंसर रही एक। 6 और 1 कितने हो गए, 7, 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो इनको 657 के अंदर 493 अपन जोड़ेंगे तो 1150 अपने को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4, जिसके अंदर क्या है, घटाव दिया हुआ है, ठीक है, यानी 8, 7, 9, यह जो भारतीय अंक अपने को दिख रहे हैं, 8, 7, 9, इसमें से अपने को कितने घटाने हैं, 4, 3 और 5 इसको अपन घटाएंगे। ठीक है, तो 9 में से 5 गए, पीछे कितने बचे, 7, 4। 7 में से 3 गए, पीछे कितने बचे, 4। 8 में से 4 गए, पीछे कितने बचे, 4, यानी 444। तो यहाँ पे अपन ने 879 में से 435 घटाए तो पीछे कितने बचे, 444। इस प्रकार से सभी भैया बहनों को प्रश्न क्रमांक 5 और 6 दोनों आप स्वयं को हल करना है। धन्यवाद।